आई टुक ब्रेक फॉर 1-2 ईयर्स और 6 मंथ्स से मैं एक्टिव हूँ। मैंने बोला था मेरे लास्ट इंटरव्यू में कि मैंने गैप लिया था 2 ईयर्स का, सो नाउ आई एम एक्टिव एंड आई एम वर्किंग। आई ये लुक क्रिएट किया है वेरोनिका ने, सो आई एम कॉलिंग हर, कम शी इज़ माई डिज़ाइनर वेरोनिका, सो शी हैज़ क्रिएटेड दिस लुक एंड आई एम लविंग दिस। जो कलर उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग जो भी कुछ इन्होंने डिज़ाइन किया है इट्स अल्टीमेट। So now she'll let you know about the structure, about the color, about the dress. वैसे मैंने बहुत शूट किया है तो मुझे कुछ हटके ही करना था, तो दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि हम कुछ अलग करते हैं। तो इसीलिए हमने ब्राइट कलर्स लिए हैं इस बार के शूट के लिए, क्योंकि बहुत मैं ब्राइट कलर्स पे शूट नहीं करती हूँ, मोस्ट ऑफ मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, और इंडियन में मैंने बहुत काम किया हुआ है, तो इस बार हमने डिसाइड किया कि हम इंडियन में शूट करेंगे। एक्चुअली इनके मैंने प्रोफाइल देखा तो उसमें इन्होंने इंडो वेस्टर्न कुछ खास ट्राई नहीं किया था, तो फिर मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मैं कहा लेट्स ट्राई समथिंग लिटिल बिट बोल्डर कलर्स विद द इंडो वेस्टर्न स्टाइल, सो लेट्स ट्राई इट फर्स्ट। शी वॉज लिटिल बिट शेकी, बट आई टोल्ड हर कि जस्ट टेक अ पिक्चर्स एंड आस्क द अराउंड यू इफ दे आर ओके विद इट, देन वी कैन गो फॉर इट। नाउ शी इज़ कॉन्फिडेंट, ओवर नाइट शी कॉल मी एंड शी सेड कि ओके फाइन आई एम ओके। बिल्कुल कुछ है मेरे प्रोजेक्ट्स जो मैं कर रही हूँ अभी, और कुछ पाइपलाइन में है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सो जल्दी आप देखेंगे। आई टेक वॉक एज अ वॉक, सो अगर मुझे मिलता है बिग बॉस में जाने के लिए या मैं जाती हूँ तो डेफिनेटली आई टेक एज अ वॉक, तो मैं मना नहीं करूँगा, आई एम ओपन फॉर दैट, क्योंकि मुझे कोई भी काम, आप इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए काम ही होना चाहिए, तो इसके लिए मैं तो जो भी मुझे अभी लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट थिंग है तो मैं उसको करूँगी। सी अभी मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, फिर उसके शूट के बाद सी कि नेक्स्ट क्या करती हूँ, देन आई विल अपडेट यू। सी मैं यही कहूँगी कि जितने भी शोज़ मैंने किए हैं लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्पेशली ये कैरेक्टर जो मैंने बाबरी का कैरेक्टर प्ले किया था तारक मेहता में, तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है, तो जो भी मैं कैरेक्टर आगे करूँ, जो भी मैं आगे काम करूँ, उसको ऐसे ही लोग पसंद करें, बस यही कहूँगी मैं अपने ऑडियंस को।